ओके पिछले क्लास में जरा हमने लॉग के बारे में डिस्कस किया था, एक बार समराइज करा दें। हमने ये बोला था बच्चे कि a का पावर b अगर c के बराबर है तो लॉग में ऐसे लिखते हैं, लॉग लिखेंगे c का बेस a पे, ये b लिखा करेंगे। 2 का पावर 4 16 है, लॉग के टर्म में इसको ऐसे लिखना है, लॉग लिखोगे 16 का 2 बेस पे 4 लिखोगे। फिर हमने प्रॉपर्टी सब की बात की थी, हमने ये कहा था लॉग एम एन बेस ए ये लॉग एम प्लस लॉग एन होगा, जस्ट हम प्रॉपर्टी लिखते जा रहे हैं। सेकंड हमने लिखा था लॉग एम बाई एन बेस ए ये लॉग एम माइनस लॉग एन था। थर्ड लॉग एम का पावर एन है, बेस ए है, एन बाहर आ जाएगा। फोर्थ लॉग एम बेस का अगर पावर है ना, जितना पावर है उससे डिवाइड हो जाएगा। फिफ्थ हमने कहा था लॉग बी टू द बेस ए को आप लिख सकते हो वन बाई लॉग ए बेस बी लिख सकते हो। लॉग बी टू द बेस ए दिस इज लॉग बी अपॉन लॉग ए, बस ध्यान रखना है कि दोनों जगह बेस सेम होना चाहिए। उसके बाद बेस चेंज की प्रॉपर्टी की बात की थी, लॉग बी बेस ए है, अगर आप बेस इसका चेंज करना चाहते हो तो आप बेस चेंज कर दो, बेस सी कर दो, फिर क्या करना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा सी का पुराने वाले बेस पे। ये बेस चेंज की प्रॉपर्टी थी। उसके बाद हमने बताया था ए का पावर अगर लॉग एन है, बेस ए है, ये और ये सेम रहेगा तो वैल्यू एन के बराबर हो जाएगी। ए का पावर लॉग बी बेस सी है, यहाँ पे बेस अगर सेम नहीं है तो आप इसको इसके साथ इंटरचेंज कर सकते हो बच्चे, प्रूफ हमने लॉगरिथम वाले क्लास में सारा बताया हुआ है। तो यहाँ पे बी का पावर लॉग ए बेस सी हो जाएगा। इन जनरल ये लॉगरिथम के प्रॉपर्टी सब है, और इनइक्वालिटी के केस में, इनइक्वालिटी के केस में हमने ये बताया था कि लॉग एक्स बेस ए है ग्रेटर देन बी दिया हुआ है, तो सबसे पहले बेस को देखना, बेस अगर वन से ज़्यादा रहा जैसा ये इनइक्वालिटी है वैसा ही रहेगा, आप लिखोगे एक्स ग्रेटर देन ए का पावर बी लिखोगे, और बेस अगर जीरो से वन के बीच में रहा तो ये इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगा, ग्रेटर वाला लेस हो जाएगा, तो एक्स लेस देन ए का पावर बी ये लिखोगे, और साथ साथ लॉग को डिफाइन होने के लिए एक्स को पॉजिटिव होना जरूरी है। इसके अलावा हमने बात किया था लॉग बी टू द बेस ए इज डिफाइंड, डिफाइंड कब होगा, इसकी वैल्यू रियल कब मिलेगी, इसके लिए हमने बोला था जिसका लॉग लेते हो पॉजिटिव होना चाहिए, जिस बेस पे लेते हो पॉजिटिव होना चाहिए, बेस को वन के इक्वल नहीं होना चाहिए। साथ साथ हमने ये ऐड किया था लॉग वन बेस ए हमेशा जीरो होगा, लॉग ए बेस ए इसकी वैल्यू वन होती है। ये सब लॉग वाले लेक्चर में ऑलरेडी हमने कवर किया हुआ है, जस्ट मैंने इसको रिकैप करा दिया ताकि इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन की बात कर सकें। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चे, स्टार्ट करते हैं सिंपल क्वेश्चन। मान लो लिखा हुआ है लॉग 27 बेस 9 लिखा हुआ है, इसको सिंप्लीफाई करना है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी जरा इसकी बात करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, 9 को 3 का स्क्वायर लिख देना और 27 को 3 का क्यूब लिख लेना। अब क्या होता है, जिसका लॉग लेते हो उसमें अगर पावर है तो ये बाहर आ जाता है, तो ये चीज़ बाहर आ जाएगी,
और अगर बेस का पावर होता है तो उतने से डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा, 3 बाहर आ जाएगा, साथ साथ 2 से डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा लॉग 3 बेस 3, ये और ये सेम होने से इसकी वैल्यू 1 के बराबर है, तो इसका आंसर हो गया 3/2, इसका आंसर हो जाएगा 3/2। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमने यूज़ किया जरा इसकी बात कर लें। पहली प्रॉपर्टी ये यूज़ किया, लॉग एम का पावर एन है, बेस ए है, तो ये एन बाहर आ जाता है बच्चे, उसी लॉजिक से ये 3 बाहर आ गया है। और अगर बेस का पावर अगर है तो ये जितना पावर है उतने से डिवाइड हो जाता है, उस प्रॉपर्टी से जैसे 3 का स्क्वायर था तो 2 से डिवाइड हो गया और ये पावर था तो बाहर आ गया बच्चे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई होके 3/2 आ गया। और इसी क्वेश्चन में अगर हम ये कर दें, लॉग 27 बेस 9 जिसकी वैल्यू 3/2 आई, माइनस लॉग 9 बेस 27 कर दें, इसको सिंप्लीफाई करना है तो फटाफट आप इसकी वैल्यू निकाल लेना और कहना कि ये वाला जो है इसका रेसिप्रोकल है। कौन सी प्रॉपर्टी से? प्रॉपर्टी ये है, लॉग बी बेस ए, इसको लिख सकते हो 1/ लॉग ए बेस बी, ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो ये 2/3 होगा। कैलकुलेशन के बाद जो आंसर आएगा वो लिख दोगे आप, ठीक है? तो ये सिंपल हमने क्वेश्चन लिया है बच्चे। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन ये ले लेते हैं, लॉग बेस 2 है, बेस 2 है, बेस 2 है और यहाँ पे बेस 3 करके ये 81 लिख दिए, ये है, उसके बाद ये है, फिर ये है, फिर ये है, इसको हमको सिंप्लीफाई करना है बच्चे, इसको हमको सिंप्लीफाई करना है, तो सबसे पहले इसकी वैल्यू की बात कर लें, लॉग 81 बेस 3 है तो यहाँ पे आप इसको 81 को लिख दो 3 का पावर 4, प्रॉपर्टी से 4 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा लॉग 3 बेस 3, इसकी वैल्यू 1 हो गई तो इसका आंसर 4 आ गया बच्चे, तो इसकी जगह आपके पास 4 आ गया, तो अब ये क्वेश्चन रिड्यूस होके लॉग बेस 2 बेस 2 बेस 2 और इसकी वैल्यू जो आई है वो 4 हमने यहाँ पे लिख दिया बच्चे। अब क्या करना, 4 को 2 स्क्वायर लिख लेना, तो वो 2 यहाँ पे आ जाएगा, प्रॉपर्टी से 2 का स्क्वायर रहेगा तो यहाँ पे आ जाएगा और लॉग 2 बेस 2 उसकी वैल्यू जो है वो 1 बन जाएगी, तो ये आ जाएगा, ये आपके पास 2 का स्क्वायर हो गया तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे अलग से लिख देते हैं, 4 को लिख दिया 2 का स्क्वायर तो 2 बाहर आ गया, लॉग 2 बेस 2 इसकी वैल्यू 1 होने से ये 2 आ गया, तो यहाँ पे देखोगे इसकी जगह 2 आ जाएगा, अब ये सेम होने से इसकी वैल्यू 1 आ गई, तो ये हो जाएगा लॉग 1 बेस 2 और लॉग 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, ऐसे हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हम ले लेते हैं, मान लो लिखा हुआ है 1/log, यहां पे एक्स वाई जेड है और यहां पे बेस हमने लिख दिया, एक्स लिख दिया, 1/log xyz है, बेस हमने वाई लिख दिया, 1/log xyz है, बेस हमने जेड लिख दिया, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी अगर यूज करें तो इसको 1/this को आप लिख सकते हो लॉग एक्स और बेस यहां पे एक्स वाई जेड है, सेम लॉजिक से इसको लिख सकते हो लॉग वाई, यहां पे बेस एक्स वाई जेड है और इसको लिख सकते हो लॉग जेड बेस एक्स वाई जेड है। अब ये प्लस में है तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ा है लॉग एम प्लस लॉग एम एन होगा, इसी तरह से उसको उसके साथ ऐड करोगे तो
तो क्या होगा, प्रॉपर्टी से ये तीनों प्रोडक्ट में चले जाएंगे, ये एक्स वाई जेड बन जाएगा बच्चे। प्रॉपर्टी का यूज किया, लॉग एम प्लस लॉग एन लॉग एम एन होता है, उस प्रॉपर्टी से ये लिख दिया। अब इसकी वैल्यू जो है, ये और ये सेम है तो इसकी वैल्यू वन हो जाएगी। सेकेंड क्वेश्चन इसी लॉजिक का, अगर इसी में अगर हम ये चेंज कर देते, जरा ध्यान से देखना ये क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगर सपोज करो यहाँ एक्स वाई होता, यहाँ पे वाई जेड होता और यहाँ जेड एक्स होता, तो यहाँ पे एक्स वाई आता, ये वाई जेड होता और ये जेड एक्स हो जाता बच्चे। तो जब ये तीनों मल्टीप्लाई होता ना, तो एक्स वाई जेड का स्क्वायर आ जाता, तो प्रॉपर्टी से ये टू बाहर हो जाता और ये लॉग एक्स वाई जेड बेस एक्स वाई जेड इसकी वैल्यू वन हो जाती, तो ये आंसर टू आ जाता। ये तीन नंबर हमने एक्स वाई जेड का यूज करके किया है, आप चार नंबर का भी यूज करके कर सकते हो। एक एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने ले लिया वन अपॉन, मान लो लिखा हुआ लॉग ए बी सी डी, यहां पे लिख दिया ए बी, ए बी सी डी, यहां पे ए बी है तो यहां पे फिर से ए सी लिख दिया। वन अपॉन लॉग ए बी सी डी, ए बी है ए सी है तो नेक्स्ट में ए डी लिख दिया, प्लस वन अपॉन, तो ए का बी के साथ, ए का सी के साथ, ए का डी के साथ आ गया। उसके बाद हम ले लेते हैं बी का सी के साथ ले लेते हैं, फिर बी का डी के साथ ले लिया, वन अपॉन लॉग ए बी सी डी, फिर सी का डी के साथ ले लेते हैं। इसको हमको सिंप्लीफाई करना है, सो सेम तरीके से करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, लॉग बी टू द बेस ए, ये प्रॉपर्टी यूज करने जा रहे हैं बच्चे। लॉग बी टू द बेस ए को आप लिख सकते हो वन अपॉन लॉग ए बेस बी, इसका यूज करने जा रहे हैं। इस प्रॉपर्टी का यूज करके आप सारे टर्म को क्या लिख सकते हो, जरा ये देखा जाए। पहले वाले को लिख सकते हो लॉग ए बी और यहां पे बेस आ गया ए बी सी डी, दूसरे में आएगा लॉग ए सी, बेस हो जाएगा ए बी सी डी, तीसरे में हो जाएगा लॉग ए डी बेस ए बी सी डी, प्लस लॉग बी सी बेस ए बी सी डी, प्लस लॉग बी डी बेस ए बी सी डी, प्लस लॉग सी डी बेस ए बी सी डी। सारे प्लस में तो प्रोडक्ट में चले जाएंगे, तो यहां पे क्या आएगा, प्रोडक्ट में आएगा ए बी आएगा, ए सी आएगा, ए डी आएगा, यानी ए टोटल तीन बार आ जाएगा। वैसे अगर आप देखोगे तो बी जो है वो तीन बार आ जाएगा, अगर हम सी की बात करेंगे तो सी भी तीन बार आ जाएगा, और डी भी आप चेक करोगे तो तीन बार आ जाएगा। तो फाइनली ये बन जाएगा लॉग ए बी सी डी का क्यूब बन जाएगा, यहाँ पे बेस ए बी सी डी आएगी, तो ये वैल्यू फाइनली थ्री के बराबर आ जाएगा। प्रॉपर्टी से थ्री बाहर चला जाएगा और ये सेम होने से वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। क्लियर है? तो एक इस तरह का क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट अगर हम इनइक्वालिटी की बात कर ले, जैसे हम ये क्वेश्चन ले लेते हैं लॉग एक्स बेस टू इसका स्क्वायर माइनस फाइव लॉग एक्स बेस टू प्लस सिक्स लेस देन जीरो, इसको सॉल्व करना है। ध्यान दें, लॉग को डिफाइन होने के लिए एक्स को पॉजिटिव होना जरूरी है, तभी लॉग डिफाइन होगा। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, लॉग एक्स बेस टू को टी मान लिया बच्चे। तो जैसे टी मानोगे तो ये
इनइक्वालिटी हो गया टी स्क्वायर माइनस फाइव टी प्लस सिक्स लेस देन जीरो। साइन स्कीम से देख लेंगे कि इसकी वैल्यू निगेटिव कब होगी, उसके लिए इसको फैक्टराइज कर लिया और यहां से टी की वैल्यू आ जाएगी टू से थ्री के बीच में। अब टी हमने माना था लॉग एक्स बेस टू को, तो इसकी वैल्यू आ जा रही है टू से लेकर थ्री तक। अब इनइक्वालिटी है और बेस जो है वन से ग्रेटर है, बेस वन से ग्रेटर है तो जैसा इनइक्वालिटी है वैसे ही रहेगा, तो यहां पे हमको लिखना होगा एक्स लेस देन टू का पावर थ्री मतलब एट, और यहां पे टू का स्क्वायर मतलब फोर। एक्स की वैल्यू फोर से लेके एट तक आएगी। और ध्यान देखो लॉग भी डिफाइन है, लॉग को डिफाइन होने के लिए एक्स को पॉजिटिव होना चाहिए। अब इसी क्वेश्चन में अगर हम यहां पे एक्स की जगह मॉड एक्स लगा देते, इसी क्वेश्चन में पहले आप ये नोट कर लो, इसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं। इसी क्वेश्चन में अगर हम x की जगह मॉड x लगा देते, x की जगह मॉड x लगा देते तो आप इसको t मानते, फिर आता t की वैल्यू 2 से 3, तो इसकी वैल्यू आ जाती 2 से 3, तो मॉड x की वैल्यू आ जाती 4 से लेके 8 तक। अब इसको सॉल्व करने के लिए किसके मॉड की वैल्यू 4 से 8 के बीच में होगी? एक तो पॉजिटिव साइड में जब x की वैल्यू हम ले लेंगे 4 से 8 तब चलेगा, और दूसरा नेगेटिव साइड में x की वैल्यू जो होगी वो माइनस 8 से लेके माइनस 4 होगी। दिस यूनियन दिस, ये इसका आंसर हो जाएगा। या आप लिखो या तो वैल्यू ये होगी और ये वाली वैल्यू होगी, ये इसका कंप्लीट आंसर हो जाएगा बच्चे। तो लॉग में आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करने आना चाहिए, साथ साथ आपको लॉग की वैल्यू निकालने आना चाहिए यूजिंग प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का यूज करके आपको इसकी वैल्यू निकालने आना चाहिए। जैसे हमने ये लिख दिया 3 का पावर, मान लो लिख दिया 2 माइनस, यहां पे लिख दिया लॉग 41 बेस 3 लिख दिया। हमको इसको सिंप्लीफाई करना है बच्चे, तो यहां पे आप इसको चाहो तो क्या लिख सकते हो वो देख लेते हैं। ये 3 का स्क्वायर है और ये 3 का पावर माइनस ऑफ लॉग 41 बेस 3 है, इसको हमने इस तरह से लिख लिया। 3 के पावर को हमने स्प्लिट कर दिया। अब ये देखो 3 का स्क्वायर और ये लिख दिया, अब इसकी वैल्यू तो 9 है, ठीक है। अब यहां पे जो माइनस वन है ना, लॉग के बाहर माइनस वन है, तो इसको आप ऐसे लिख लो 3 लॉग 41 का पावर माइनस वन लिख लो, ताकि ये माइनस वन बाहर आ जाए प्रॉपर्टी का यूज करके। अगर लॉग के अगर आगे माइनस है तो ये माइनस यहां पे चला जाएगा, 41 का पावर माइनस वन बन जाएगा। अब यहां जो प्रॉपर्टी हम यूज करने जा रहे हैं, ये और ये सेम है तो इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी। ये प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं बच्चे, a का पावर log n बेस a, ये वैल्यू n के बराबर होगी। तो यहां से ये वाली वैल्यू जो हो गई, ये 41 का पावर माइनस वन मतलब 1/41 हो गया, तो ये 9/41 आ गया बच्चे। तो आपको क्या करना, प्रॉपर्टी का यूज करने पे भी क्वेश्चन बनाने आना चाहिए, इनइक्वालिटी सॉल्व करना चाहिए। अब इनइक्वालिटी को टफ किया जाता है मॉडुलस लगा के, कभी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन लगा के, कभी इनवर्स फंक्शन लगा के, लेकिन बेसिक चीज यही रहता है, आपको जब भी इनइक्वालिटी का क्वेश्चन हो तो आपको बेस को ध्यान से देखना पड़ेगा बच्चे। अगर हमने ये लिख दिया लॉग एक्स माइनस वन का मॉड लिख दिया, बेस टू लिख दिया, और ये लिख दिया ग्रेटर देन फोर लिख दिया बच्चे, मॉड लगा हुआ है, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, तो आप बेस को ध्यान से देखोगे, बेस वन से ग्रेटर है, ठीक है। अच्छा, लॉग को डिफाइन होने के लिए इसको पॉजिटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव भी है, एक्स इक्वल टू वन पे सिर्फ जीरो हो रहा, तो आंसर में एक्स इक्वल टू वन नहीं आना चाहिए। यहां से भी देख लो, यहां से जैसे आप लिखते हो ना एक्स माइनस वन का मॉड ग्रेटर देन टू का पावर फोर मतलब 16 लिखते हो, जैसे ये नंबर 16 से बड़ा है तो ऑटोमेटिक लॉग डिफाइन हो गया, क्योंकि लॉग को डिफाइन होने के लिए इसको सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए, ये जबकि 16 से बड़ा आ रहा है। अब यहां से आप इसको लिखोगे, अगर ये 16 से ग्रेटर है
दो पॉसिबिलिटी, या तो इसकी वैल्यू 16 से ज़्यादा हुई होगी या तो इसकी वैल्यू -16 से कम हुई होगी। तो यहाँ से x लेस देन -15 आ जाएगा और यहाँ से x ग्रेटर देन 17 आ जाएगा। तो आंसर में आप कहोगे आइदर x लेस देन -15 या आंसर आप इस तरह से लिखो x बिलोंगिंग टू -15 से कम है, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके -15 यूनियन मतलब और 17 से लेके इन्फिनिटी तक, ये इसका आंसर हो जाएगा। कभी यहाँ पे लीनियर की जगह क्वाड्रेटिक हो जाए लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहना है। बेस अगर 1 से कम हो गया ना इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब एक पैटर्न देखो जरा, जब हमने लॉग 10 बेस 10 की बात की थी तो ये 1 आया था, 100 पे इसकी वैल्यू 2 आया था, 1000 पे इसकी वैल्यू 3 आया था, 10,000 पे इसकी वैल्यू 4 आया था। यहाँ पे पैटर्न हमने यही सीखा था कि बेस अगर 1 से ज़्यादा है, जैसे जैसे नंबर बढ़ा रहे हो वैल्यू बढ़ते चली जा रही है। अब जरा यहाँ पे देखो, 100 पे वैल्यू 2 है और 1000 पे वैल्यू 3 है, और आप कह रहे हो कि नंबर अगर बढ़ाते चले जाएंगे तो वैल्यू बढ़ते चली जाएगी। तो 100 पे 2 है और 1000 पे 3 है, इट मीन्स 100 से 1000 के बीच में जितने भी नंबर होंगे वो 3 डिजिट के नंबर होंगे, और वो 3 डिजिट के जो नंबर होंगे उसकी वैल्यू 2 और 3 के बीच में होगी, क्योंकि इस पे 2 है इस पे 3 है, तो बीच में जो जो नंबर मिसिंग है उसकी वैल्यू 2 से 3 के बीच में हुई होगी, क्योंकि आपकी ये वैल्यू बढ़ते चली जा रही है। सिमिलरली जैसे 10 पे वैल्यू 1 है और 100 पे 2 है, दो डिजिट का नंबर है, जब 10 से 100 के बीच में बात करेंगे बच्चे तो इसके बीच में जो भी नंबर आएगा वो दो डिजिट का नंबर आएगा और उसकी जो वैल्यू होगी 1 point something होगी। तो हम ये कह सकते हैं बेस 10 पे अगर मान लो यहाँ पे लिखा हुआ 4867 और बेस 10 है, ये 4 डिजिट का नंबर है, तो कंफर्म है कि इसकी जो वैल्यू हुई होगी वो 3 point something हुई होगी। अगर दो डिजिट का नंबर हुआ होगा, जैसे मान लो log 23 बेस 10 है, तो ये कंफर्म है कि 1 point something हुआ होगा, क्योंकि 10 पे वैल्यू 1 है 100 पे 2 है, इसके बीच के जितने भी नंबर है वो दो डिजिट के हैं और दो डिजिट के जितने भी नंबर होंगे उसकी जो वैल्यू है वो 1 और 2 के बीच में होगी, क्योंकि हमने ये कहा कि जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ते जा रही है। सेम लॉजिक से अगर मान लो कि 3 डिजिट का नंबर है, मान लो 463 है, इसके लॉग की वैल्यू लेनी है, तो कंफर्म है कि ये जो होगा वो आपका 2 point something होगा, क्योंकि 3 डिजिट का नंबर है तो 2 point something होगा। बाद में आप पढ़ोगे इसको कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं, इसको मेंटिसा कहते हैं, जो पहला वाला पार्ट लिखते हो उसको कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा पार्ट जो लिखते हो उसको मेंटिसा कहते हैं। तो ये हमने थोड़ा सा आपको ऐड कर दिया। अगर मान लो आपसे कहा जाए कि लॉग है बेस 10 है और यहाँ पे 673215 है, ये 6 डिजिट का नंबर है, तो इसकी अप्रॉक्स वैल्यू बताओ, तो ये कह सकते हो कि अगर ये 6 डिजिट का नंबर है तो इसकी जो वैल्यू आई होगी वो 5 point something आई होगी। बाकी हम लॉग के टेबल से देख के बता पाते हैं कि ये क्या वैल्यू होगी। ओके, लॉग में हमने दो क्वेश्चन लिया है बच्चे, सिंपल क्वेश्चन लिया है, स्टार्ट किया है, एक ये क्वेश्चन लिया है और एक ये क्वेश्चन लिया है। पहले चलो इसकी बात करते हैं जरा, ये आईटी में भी आया हुआ है, पहले आया हुआ आसान क्वेश्चन है। लॉग x माइनस 1 बेस 4 है, यहाँ पे लॉग x माइनस 2 बेस 2 है, सॉल्व फॉर x है। जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना हो ना लॉग का, ये बात आप दिमाग में हमेशा रखना, लॉग हमेशा डिफाइंड होना चाहिए। जो भी आपका सॉल्यूशन आए ना उससे आपको लॉग
डिफाइन होना चाहिए। डिफाइन होने का मतलब जिसका लॉग ले रहे हो पॉजिटिव होना चाहिए, जिस बेस पे ले रहे हो पॉजिटिव होना चाहिए, और बेस को वन के बराबर नहीं होना चाहिए, तो वो ज़रूरी है बच्चे। तो चलो पहले सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस फोर को सबसे पहले हम बेस चेंज करके यहाँ पे टू स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे टू का स्क्वायर करोगे तो टू से डिवाइड हो जाएगा, ऐसे लिख लिया। अब क्या करना, इस टू को, ये जो नीचे टू है वो यहां पे जाएगा, टू जो यहां पे जाएगा प्रॉपर्टी से ये यहां पे स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। इन दोनों की लॉग की वैल्यू सेम है, बेस सेम है बच्चे। इट मींस एक्स माइनस वन ये इक्वल होगा एक्स माइनस टू के स्क्वायर के, x माइनस वन इक्वल हो गया x माइनस टू के स्क्वायर को, इसको सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पे ये आप देखो, ये x माइनस वन इज इक्वल टू ये x स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर आएगा, और x स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। ये x में क्वाड्रेटिक बन गया, आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। बस आपको ये ध्यान देना है, इसमें जो x की वैल्यू आए उसके चलते ये दोनों डिफाइन होना चाहिए, मतलब x की वैल्यू 1 से ज़्यादा होनी चाहिए, x की वैल्यू 2 से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी लॉग डिफाइन होगा। यानी ओवरऑल आप कह सकते हो कि लॉग को डिफाइन होने के लिए ये ज़रूरी है कि x की वैल्यू 2 से ज़्यादा आनी चाहिए। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना बच्चे, तो सॉल्व जब करोगे तो ये आ जाएगा, x की वैल्यू जो आ जाएगी 5 प्लस माइनस 25 माइनस 20 बाई 2 और 5 प्लस माइनस रूट 5 बाई 2 आ जाएगा। तो ये वैल्यू जो आ रही है 5 प्लस माइनस 2 पॉइंट समथिंग डिवाइड बाई 2 आ रही है। तो यहाँ पे आप देखोगे एक तो 7 पॉइंट समथिंग बाई 2 आएगा, मतलब 3 से ज़्यादा आ जाएगा, और एक 5 माइनस 2 पॉइंट समथिंग तो 2 पॉइंट समथिंग होगा, तो वो कम से ये जो होगा वो 2 से ऑटोमेटिक कम आ जाएगा। तो इसके जो सॉल्यूशन होंगे सिर्फ एक ही सॉल्यूशन हो पाएंगे। जब आपने इसको सॉल्व किया ना तो x की दो वैल्यू आ रही है, बट लॉग को डिफाइन होने के लिए x को ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। तो जब x ग्रेटर देन 2 आएगा तो उसको एक्सेप्ट कर लोगे, इसमें प्लस वाले को एक्सेप्ट करोगे, माइनस वाले को आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, इस बात का ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ किया, लॉग एक्स माइनस वन, बेस फोर था तो फोर को हमने टू का स्क्वायर लिखा, अब बेस का स्क्वायर रहेगा तो उतने से डिवाइड हो जाएगा, फिर टू को हम यहाँ पे ले गए और प्रॉपर्टी से ये टू यहाँ पे आ गया। अब दो नंबर का लॉग सेम बेस में अगर बराबर है तो दोनों नंबर बराबर होगा, उसको हमने सॉल्व कर दिया। बस ध्यान रखना है कि x की जो भी वैल्यू आए उसके चलते लॉग डिफाइन होना चाहिए, ये चीज़ आप एकदम दिमाग में क्लियर रखो। सेकेंड क्वेश्चन हम ये लेते हैं बच्चे, लॉग 2 बेस 7 ये a है, लॉग 28 बेस 49 इसकी वैल्यू निकालनी है, फाइंड वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a के टर्म में इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे क्या करना होगा, सारे को आपको बेस 7 तो आपको करना ही है, तो इसको आप ऐसे लिख दो बच्चे, log 28 है बेस 49 है, तो पहले आप फोर्टी नाइन को लिख दो, 7 का स्क्वायर लिख दो, 7 का स्क्वायर लिखोगे तो यहां पे 2 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद क्या करो आप, 28 को लिख दो 7 इंटू 4 लिख दो, प्रॉपर्टी का यूज करो, log एम एन जो होता है वो log एम प्लस log एन के बराबर होता है, उस प्रॉपर्टी का यूज करोगे तो ये आ जाएगा log 7 बेस 7 प्लस log 4 बेस 7 अपॉन 2। इसकी वैल्यू 1 के बराबर है बच्चे,
और उसके बाद क्या करो, 4 को 2 का स्क्वायर लिख दो। 4 को जैसे ही आप 2 का स्क्वायर लिखोगे ना, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो आप देखोगे इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 2, और जो बचा रह गया log 2 बेस 7, उसका नाम a दिया हुआ है, तो 1 प्लस 2a/2 आ जाएगा। तो एक की वैल्यू a गिवन है और आपसे कहा गया था इसकी वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ a, तो आप ऐसे वर्क कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है बच्चे log का। log 2 बेस e है, log 625 बेस b इज इक्वल टू log 16 बेस 10 इंटू log 10 बेस e। इसमें आपको b की वैल्यू निकालनी है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। आपको b की वैल्यू निकालनी है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो यहाँ पे आप ये देखो, हम क्या करते हैं, इस वाले को जरा ध्यान से देखना, बेस चेंज वाली प्रॉपर्टी। log b बेस a है, अगर आप बेस चेंज करना चाहते हो तो बेस c कर दिया, फिर log लेना पड़ता है c का पुराने वाले बेस पे। अगर ऐसा लिखा हुआ है ना, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो। यहाँ कुछ ऐसा नहीं है कि ये देखो बेस 10 है, फिर log ले रहे हैं 10 का पुराने वाले बेस पे। तो अगर इसका यूज करोगे तो इस प्रॉपर्टी से आप इसको आप दोबारा से इस तरह से लिख सकते हो, इज इक्वल टू ये वाला हो गया। ऐसे भी देखो, ये log 16 बाई log 10 है, ये log 10 बाई log e है, log 10 कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा log 16 बेस e बन जाएगा बच्चे। अब क्या करो, 16 को 2 का पावर 4 लिख दो, तो 2 का पावर 4 लिखोगे तो 4 यहाँ पे आ जाएगा, और ये 4 यहाँ पे आ गया, log 2 बेस e बन गया, तो ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से कैंसिल हो जाएगा, तो log 625 बेस b ये 4 के बराबर हो गया। तो यहाँ से आप कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो कि b का पावर 4 जो है वो 625 के बराबर है। ध्यान रहे, log को डिफाइन होने के लिए b को पॉजिटिव होना है, b को नॉट 1 के इक्वल नहीं होना है। तो यहाँ से जो b की पॉजिटिव वैल्यू ले सकते हो वो आप ले सकते हो 5, क्योंकि 5 × 5 × 5 × 5 ये आपका 125 × 5 625 हो रहा, तो b की वैल्यू आप 5 ले सकते हो, b इक्वल टू 5 इसका आपके पास आंसर आ जाएगा बच्चे। तो इस बात को ध्यान देना है, log में बेस चेंज वाली प्रॉपर्टी पे आपको फोकस करना है, ध्यान रखना है ये प्रॉपर्टी को। लॉग में हम एक और इनइक्वालिटी का क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चे। लॉग बेस 2 लिख लेते हैं, मॉड एक्स माइनस 1 कर लिया, मॉड एक्स माइनस 3 कर लिया, ठीक है, और इसको हम लिख देते हैं, या इसी वाले पार्ट को हम लिख देते हैं, ये ग्रेटर देन 2 कर देते हैं। इसको सॉल्व करना है, सॉल्व फॉर एक्स, सॉल्व फॉर एक्स। ध्यान रहे, लॉग डिफाइन होना जरूरी है। यहाँ पे बेस जो है 1 से ज़्यादा है, बेस 1 से ज़्यादा है तो इनइक्वालिटी वही रहेगा। मॉड एक्स माइनस 1, मॉड एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन 2 का स्क्वायर 4 हो गया। थोड़ी देर के लिए मॉड एक्स को t मान लेना, ध्यान रहे t ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से t माइनस 1, t माइनस 3 ग्रेटर देन 4 आ गया, तो टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 ग्रेटर देन 4, तो टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 1 ग्रेटर देन 0 हो गया। ग्रेटर का साइन है तो रूट के बाहर होगा। यहाँ से t की वैल्यू हम निकाल लेंगे बच्चे, किस रेंज में आएगा पहले इसका रूट निकाल लेते हैं। इसका जब रूट निकालोगे तो t की वैल्यू आएगी 4 प्लस माइनस 16 प्लस 4 बाई 2, यानी 4 प्लस माइनस रूट 20 बाई 2, या 4 प्लस माइनस रूट 20 को लिख लिया 2√5/2, और ये आ गया 2 प्लस माइनस रूट 5,
ध्यान रहे कि टी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव लेनी है, इट मीन्स कि यहाँ पे जो है टी 2 माइनस रूट 5। पहले तो ये बताओ, अगर ये ग्रेटर का साइन है तो जो टी की वैल्यू लिखोगे वो रूट के बाहर लिखोगे, तो यहाँ से टी या तो ग्रेटर आया होगा 2 प्लस रूट 5 से, या टी की जो वैल्यू हुई होगी वो लेस देन 2 माइनस रूट 5 हुई होगी। लेकिन ध्यान रहे ये निगेटिव है और ये जो है टी जो है मॉड एक्स है, तो मॉड एक्स एक निगेटिव नंबर से कम है, ये बात गलत हो जाएगी। तो यहाँ से सिर्फ कंक्लूजन ये निकलेगा कि मॉड एक्स टी की वैल्यू 2 प्लस रूट 5 से ज़्यादा है, यानी मॉड एक्स 2 प्लस रूट 5 से ज़्यादा होगा। इस बात को हम लिख लेते हैं बच्चे, मॉड एक्स ग्रेटर देन 2 प्लस रूट 5। मॉड की वैल्यू 2 प्लस रूट 5 से ज़्यादा है तो एक्स या तो लेस हुआ होगा माइनस ऑफ 2 प्लस रूट 5 से, या एक्स ग्रेटर हुआ होगा 2 प्लस रूट 5 से। साथ साथ आप ये भी देख लो, जरूर देख लेना, अभी हमारे इक्वेशन को आप देखना, उसमें एक्स की इस वैल्यू के लिए लॉग डिफाइन होना चाहिए। जैसे हमने ये लिखा था लॉग मॉड एक्स माइनस वन बेस टू था मॉड एक्स माइनस, मतलब जो भी लिखा हुआ था इक्वेशन बच्चे, बस आप ये देख लेना कि एक्स की इस वैल्यू के लिए लॉग डिफाइन होना चाहिए। जिसका लॉग लेते हो ना वो पॉजिटिव होना चाहिए, जिस बेस पे लेते हो पॉजिटिव होना चाहिए, बेस को 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी बात बनेगी। ओके बच्चे, नेक्स्ट जो हम ले रहे हैं लॉग का, ये वाला क्वेश्चन ले रहे हैं, 6 प्लस लॉग बेस 3/2 है और ये लिखा हुआ है और ये इन्फिनिटी तक जा रहा है बच्चे, ये आईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको हम जरा डिस्कस कर लें। हम इसको क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करो, ये रूट अंडर ये 4 माइनस 1/3 रूट 2, फिर ये रूट अंडर 4 माइनस 1/3 रूट 2, फिर ये रूट अंडर, ऐसे करके इन्फिनिटी तक जा रहा है। इसकी वैल्यू का नाम टी दे दिया, ध्यान रहे ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट है तो टी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो जैसे ही आप इसका स्क्वायर करोगे ना तो ये आ गया टी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस 1/3 रूट 2, और ये जो रूट जो बचेगा ना ये फिर से वही चीज़ आ जाएगा जो कि टी आएगा बच्चे, तो यहाँ पे इसको टी लिख देंगे। तो यहाँ पे जो इक्वेशन हमारे पास हो गई ना वो हो गई टी स्क्वायर प्लस टी बाई 3√2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ध्यान रहे टी की वैल्यू पॉजिटिव है, दोबारा से देखना बच्चे, ये पूरे का नाम हमने टी दे दिया, जैसे ही स्क्वायर करोगे यहाँ टी स्क्वायर आ जाएगा, और जब स्क्वायर करोगे तो ये रूट खत्म आएगा, लेकिन इसको नज़र से देखोगे ना चूंकि ये इन्फिनिटी तक जा रहा तो ये फिर से टी बन जाएगा, तो इसको हमने टी लिख दिया। तो इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे तो टी की वैल्यू ये आगे -1/3√2 प्लस माइनस, इसका स्क्वायर कर दिया तो इसका स्क्वायर करोगे तो 1/18 आएगा, प्लस आ जाएगा 4ac, तो यहाँ पे 16 बन जाएगा, बाई 2 हो गया और ये आ जाएगा -1/3√2 प्लस माइनस, यहाँ पे नीचे में आएगा 3√2 आएगा बच्चे, और ऊपर में रूट अंडर 289 बनेगा जिसकी वैल्यू 17 होगी अपॉन 2। यहाँ माइनस वाला मत लेना क्योंकि टी की वैल्यू पॉजिटिव है, तो टी की जो वैल्यू हमको लेनी होगी वो हम लेंगे प्लस वाले लेंगे 17 माइनस 1, ये 16 हो गया और नीचे आ गया 3√2 और पहले से 2 था तो ये 6√2 हो जाएगा, दैट इज 8/3√2, ये टी की वैल्यू निकल गई। जब टी की वैल्यू निकल गई तो यही वैल्यू हम वहाँ पे रखेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो टी की जो वैल्यू निकली है वो निकली है 8/3√2। इसको हटा देते हैं, तो ये सिंप्लीफिकेशन के बाद ये आ गया 6 प्लस लॉग बेस 3/2 है
और ये आया 1/3√2 पहले से था, और जिसका नाम आपने t दिया था उसकी वैल्यू आ गई 8/3√2। तो ये हो जाएगा 6 प्लस लॉग बेस 3/2 है, √2 √2 2 के बराबर हो गया, कैंसिल होने के बाद ये 4/9 आ जाएगा। इसको चाहो तो आप लिख सकते हो, इसको चाहो तो आप लिख सकते हो 6 प्लस लॉग, यहाँ पे बेस 3/2 है तो 3/2 के टर्म में ही इसको लिख देते हैं, ये 3/2 का पावर -2 है। तो प्रॉपर्टी का यूज़ करोगे ना, प्रॉपर्टी का यूज़ करोगे तो देखोगे ये -2 बाहर आ जाएगा, लॉग 3/2 बेस 3/2 तो ये 1 बन जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 - 2, तो वैल्यू हो जाएगी 4 के इक्वल। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इसकी वैल्यू 4 के इक्वल आ जाएगी बच्चे, तो इसको ध्यान में आपको रखना है। ये ऑलरेडी आईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, बस आपको क्या करना है, इस पूरे का नाम टी देना है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, अलजेब्रा के रूल से इसको सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफिकेशन के बाद जो भी आता है उसकी वैल्यू इसको रखो, फिर लॉग ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप ट्राई कर सकते हो फिर से इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लॉग का ले रहे हैं, ये क्वेश्चन ले रहे हैं बच्चे, ये अभी आईटी में आया हुआ है। यहाँ पे क्या है, लॉग 9/2 इसका स्क्वायर है, इसका पावर ये है, फिर √7 का पावर ये है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको अलग से निकाल लेते हैं, इसकी वैल्यू अलग से निकाल लेते हैं, फिर दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं। तो पहले यहाँ पे ये 1/something है, तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं। आप जानते हो कि 1/log b base a है, इसको आप लिख सकते हो log a बेस b लिख सकते हो। इस प्रॉपर्टी का अगर हम यूज करें तो आप देखो कि इसको हम क्या लिख पाते हैं, इसको हम लिख पाएंगे ये log 9/2 है, इसका स्क्वायर है, ये यहां लिख दिया, इसका पावर ये है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, लेकिन हम इसका रेसिप्रोकल लिखना चाह रहे हैं, तो यहां पे आ जाएगा log आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा यहां पे log 9/2 आ जाएगा। अब क्या होगा, ये log के बाहर 2 है ना, तो ये 2 जो है ये यहाँ पे चला जाएगा, 2 स्क्वायर बन जाएगा, तो ये 4 बन जाएगा बच्चे, इनटू। अभी इसको लिखेंगे, पहले इसकी बात कर ले। अब कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, जैसे a का पावर log अगर n है, बेस a है तो ये n के बराबर होता है, ये बेस और ये बेस अगर सेम हो गया तो वैल्यू n के बराबर होती है। उस प्रॉपर्टी का अगर यूज़ करें तो देखो यहाँ का बेस और यहाँ का बेस सेम है, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो 4 आ जाएगी। अब बात आ जाती है इसकी, इसको आप लिख पाओगे, ये √7 है, तो इसको आप फिर से उल्टा कर लो, √7 को लिख लो, 7 का पावर हाफ, और इसका रेसिप्रोकल लेने पे ये आ जाएगा log 4 बेस 7 आ जाएगा, और ये हाफ log के बाहर है तो ये हाफ चला जाएगा, 4 का पावर बन जाएगा, तो 4 का पावर हाफ करोगे तो यहाँ पे वैल्यू 2 आ जाएगी। फिर सेम प्रॉपर्टी का अगर हम यूज़ करें तो इसका बेस और इसका बेस सेम है तो इसकी वैल्यू 2 के बराबर आ जाएगी, तो ये 4 हो गया और इसकी वैल्यू 2 हो गई, तो इसका आंसर 8 आ जाएगा बच्चे। तो ये लॉग से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन की बात किए थे, है ना, तो इसको आप रिवाइज करो, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे इसके क्वेश्चन सबकी और बात करेंगे। थैंक यू।